स्टैंडर्ड फाइव, स्टैंडर्ड फाइव चैप्टर नंबर सिक्स, आवर नेशनल फ्लैग। अब इसमें क्या है, एक्टिविटी वन, एक्टिविटी वन है इमेज योर स्कूल, आपका स्कूल इमेज करो। हैड ए फ्लैग, एक फ्लैग है। हाउ इट लुक लाइक, वो कैसे लगता है। ड्रॉ इन द बॉक्स, आपको एक बॉक्स में ड्रॉ करना है गिवन बिलो में, इसमें बॉक्स करना है आपको होमवर्क में करना है। अब उसके बाद देखो, डिस्क्राइब द योर फ्लैग, आप डिस्क्राइब करो आपका फ्लैग को टू क्लासमेट, आप दो क्लासमेट के साथ। यू कैन टेल, आप बता सकते हो देम, उनको थिंग्स लाइक व्हाई यू चूज दिस फ्लैग, आपने फ्लैग को क्यों चुना है, द कलर्स को क्यों चुना है, व्हाट डू दे मीन, उनका मतलब क्या है, एक्सेट्रा, ये सब। एक्टिविटी टू है रीड द कंजर्वेशन, आप कंजर्वेशन पढ़ो। अब इसमें क्या है, ग्रैंडपा, दादाजी सुजल और अल्पा पोता पोती थे, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। अब उसमें दोनों में समझाने का हो रहा है कि डिजिटल फ्लैग के बारे में टॉपिक के ऊपर डिस्कस हो रहा है। अब ग्रैंडपा, दादाजी ने बोला, व्हाट आर यू डूइंग सुजल, सुजल आप क्या कर रहे हो, अल्पा और सुजल को बोला। सुजल ने बोला, वी आर कलरिंग आवर नेशनल फ्लैग, हम कलर कर रहे हैं अपने नेशनल फ्लैग को। आवर आर्ट टीचर हैज़ गिवन, हमारी जो आर्ट की टीचर है स्कूल में, उसने हमको दिया एक काम, होमवर्क टू कलर, कलर करने के लिए आवर नेशनल फ्लैग को। अब अल्पा जो है उन्हें बोला, ग्रैंड पा द बेस्ट कलर, जो बेस्ट कलर होता है स्कूल में पिक्चर में, विल बी डिस्प्लेड होगा ऑन द बोर्ड, बोर्ड के अंदर। एंड हूएवर डज इट वेल, जिसने भी ये अच्छी तरह, सबसे अच्छी तरह किया है, विल बी बेस्ट आउट, वो बेस्ट आउट होगा द प्राइज, प्राइज के साथ फॉर इट, उसके लिए द इंडिपेंडेंट डे, आज़ादी के दिन के। सुजल ने बोला, लुक ग्रैंड पा, दादाजी देखो, हाउ हैव आई डन इट, मैंने ये कैसे किया है। अब ग्रैंड पा ने बोला, वेल डन, बहुत अच्छे, वेल डू यू नो हिस्ट्री ऑफ आवर नेशनल, क्या आप हिस्ट्री जानते हो नेशनल फ्लैग के। अब की वर्ड क्या है, इसमें एक वर्ड है बेस्ट आउट, बेस्ट आउट का मतलब टू गिव समथिंग, किसी को कुछ देना, ऐसे हॉनर और प्रेजेंट, प्रेजेंट या किसी को सम्मान देना, उसको बेस्ट आउट बोलेंगे। अब उसके बाद देखो, इसमें दिया है सुजल ने बोला, नो प्लीज़, अब मेरे को प्लीज़ दादाजी बताओ, टेल अस समथिंग अबाउट द नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग के बारे में बताओ। ग्रैंड पा, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया हैज़ थ्री इक्वल हॉरिजेंटल, तीन इक्वल हॉरिजेंटल बैंड्स है। द टॉप पैनल इज सेफ्रॉन, जो टॉप पैनल है सेफ्रॉन है। द बॉटम पैनल इज ग्रीन है, वाइट मिडल वाला है वो है बैंड एंड इट्स सेंटर है। इट इज़ अशोका चक्र, ये जो मीडियम में गोल सर्कल है वह हमारे अशोक चक्र का सेंटर है। इट हैज़ अशोक चक्र इन नेवी ब्लू कलर का है। अब इट वॉज एडोप्ट, ये एक एडोप्ट किया जाता है बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के तरफ से ऑन 2 जून को 1947 में। वैन इट बिकम आवर ऑफिशियल फ्लैग, जब ये हमारा ऑफिशियल फ्लैग इंडिया का बन चुका था। उसके बाद अल्पा ने बोला, ग्रैंडपा हु डिज़ाइन आवर नेशनल फ्लैग, किसने डिज़ाइन किया आवर नेशनल फ्लैग को। सुजल ने बोला, आई थिंक इट वॉज क्रिएटेड बाय, ये क्रिएट किया गया था पिंगली वेंकैया से। अब ग्रैंडपा ने बोला, यस इट इज आर्ट, सही है, आप एकदम सही जवाब दिया। एक्टिविटी थ्री है, लुक द पिक्चर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग एंड डिस्क्राइब इट टू 3 or 5 सेंटेंस, आप हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में देखो और इनको एक होमवर्क में 3 से 5 में डिस्क्राइब करो लाइन में। अब नाउ रीड द कंजर्वेशन, अब कंजर्वेशन पढ़ो। सुजल, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस, अब इसमें इम्पोर्टेंस क्या है पूछा। ग्रैंडपा, दादाजी ने बोला, अब द नेशनल फ्लैग इज ए सिम्बॉल, ये हमारा जो नेशनल फ्लैग एक सिम्बॉल है नेशन का। एवरी नेशन हैज ए फ्लैग, हर नेशन के पास अपना फ्लैग होता है। ये नेशनल फ्लैग है, इसे सिम्बॉल ऑफ यूनिटी, जो हमारा नेशनल फ्लैग है यूनिट एकता का संदेश देता है, ऑनर का संदेश देता है और आज़ादी का संदेश देता है। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट बिल्डिंग, पब्लिक होता है और प्राइवेट, जो प्राइवेट बिल्डिंग्स होते हैं सब में, सच ए स्कूल्स, स्कूल में, कोर्ट्स में हिस्ट्री द नेशनल फ्लैग, जो हिस्ट्री होता है नेशनल फ्लैग का। अब अल्पा ने बोला, हमारे क्लास टीचर ने टोल्ड अस द हिस्ट्री में बोला है ऑफ द नेशनल फ्लैग का यस्टरडे, कल ही इन्फॉर्म अस, हमने इन्फॉर्म की जानकारी दी है अबाउट द नेशनल फ्लैग के बारे में। अब सुजल, प्लीज़ टेल मी वॉट ही सेड अबाउट इट, अब मेरे को बताओ क्या उन्होंने बताया है। अल्पा ने बोला, ही टोल्ड अस अबाउट द थ्री हॉरिजेंटल कलर बैंड्स, इन्होंने थ्री हॉरिजेंटल कलर बैंड्स के बारे में बताया जो इक्वल साइज में, एक इक्वल में साइज में किया है। अब ग्रैंडपा, यस अल्पा यू आर एब्सोल्युटली राइट, अब एकदम सही बोल रहे हो। डू यू नो, क्या आप बताए अबाउट द कलर्स, कलर्स के बारे में और उनका मतलब। सुजल, आई नो द टॉपमोस्ट सेफ्रॉन बैंड्स, जो सेफ्रॉन बैंड्स से स्टैंड फॉर द करेज एंड सेक्रीफाइस, ये हमारा करेज और कुर्बानी के हिसाब से कलर है।
ग्रैंडपा राइट द बॉटम ग्रीन बैंड स्टैंड फॉर द लाइफ जिंदगी का एंड एंड प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी के लिए वाइल द व्हाइट बैंड जो व्हाइट बैंड है इन द सेंटर में स्टैंड फॉर ट्रूथ सच्चाई के लिए एंड प्यूरिटी एकदम ईमानदारी से अल्पा इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट बैंड इज द ब्लू धर्म चक्र ये एक धर्म चक्र है और व्हील्स ये क्या धर्म चक्र जो होता है वो है द व्हील ऑफ द लॉ कानून का व्हील होता है अब सुजल जो होता है सुजल व्हाट डस ई स्टैंड फॉर ये स्टैंड क्यों करता है ग्रैंडपा डियर द व्हील अब डियर किया व्हील को इज द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस एक सिंबल है प्रोग्रेस का इट इज प्राइड ये प्राइड है ऑफ आवर नेशन नेशन का हमारा प्राइड है डू यू नो आप क्या जानते हो सर्टेन रूल्स जो सर्टेन रूल्स बनाया गया है मस्ट बी फॉलोड होना चाहिए वेन एवर द नेशनल फ्लैग इज हिस्टोरेड जब भी हमारा नेशनल फ्लैग हिस्टोरेड होता है अल्पा वॉट आर दे क्या है वो विल यू प्लीज टेल अस क्या आप हमको बता दोगे ग्रैंडपा वाइल होस्टिंग जब हम होस्ट करते हैं उसको द नेशनल फ्लैग को वी मस्ट स्टैंड हमको खड़ा हो जाना चाहिए अटेंशन में एंड सेल्यूटेड और सेल्यूट करना चाहिए मोर ओवर इट वुड बी प्रेजेंट प्रिजर्व ये हमारा जो है प्रिजर्व हो जाता है केयरफुली अच्छी तरह एंड टर्न नहीं होना चाहिए फ्लैग को शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड नहीं होना चाहिए अब सुजल है सुजल बता रहा है थैंक यू ग्रैंड फादर थैंक यू बोला शुक्रिया वी विल बी रिमेंबर हम ये याद रखेंगे हमेशा ग्रैंडपा वी हैव ए नेशनल बर्ड हमारे नेशनल बर्ड्स भी है जो नेशनल एंड नेशनल एनिमल भी है ए नेशनल फ्लावर भी है ए नेशनल फूड भी है डू यू हैव ए नेशनल फूड आपके पास क्या नेशनल फूड है अल्पा आई थिंक खिचड़ी हो सकता है ग्रैंडपा हा 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 नाउ प्रिपेयर इट अब वो बनाओ अब इसमें क्वेश्चन आंसर दिया है जो हमने पढ़ा उसमें से आपको ये होमवर्क में करना है एक बार हो चुका है फिर से आपको एक बार होमवर्क में करना है पहले क्वेश्चन समझ लो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इमेज करो आप सोचो यू वाले फ्रेंड आप दोस्त हो पिंगली वेनिकाई का अब व्हाट कलर जो कलर क्या कलर आप लोगे वुड यू सजेस्ट उसको सजेस्ट करोगे फॉर आवर नेशनल फ्लैग का सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू थ्री कलर क्या तीन जो कलर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग के सिम्बलाइज करता है आंसर इन ओन वर्ड आपके शब्द में लिखना जो आपको समझ में आए व्हाट डू यू हैव ए नेशनल फ्लैग वी डू नॉट हैव हमारे पास नेशनल फूड नहीं है अकॉर्डिंग टू यू आपके अनुसार विच फूड शुड बी नेम क्या फूड को हमको नाम देना चाहिए नेशनल फूड में वाई क्यू यू मे डिस्कस विद योर पार्टनर्स डिस्कस इन द क्लास क्लास में डिस्कस करके आप ये आंसर वर्क पर लिख सकते हो एक्टिविटी फाइव है वाइल रीडिंग अब जब पढ़ रहे हो और सुन रहे हो टू द कंजर्वेशन के लिए यू मे कॉमन एक्रोस एस एंड सेड साउंड होता है विथ इन पैर में वन ऑफ यू कैन रीड अब ये कंजर्वेशन आप पढ़ सकते हो उसके बाद एंड द अदर मार्क कर सकते हैं हाउ मेनी टाइम्स आप करते हैं यू ए हर्ड आपने सुना है दिस साउंड ये सब पी बी एन टी नाउ काउंट करो मेनी टाइम्स आपने जितने बार किया एंड यू हर्ड आपने सुना है मैच द विद द कॉलम नंबर्स के साथ इन योर पार्टनर के साथ यूज केवल आपको यूज़ करना है इसमें अब एंटर द नंबर जितने बार आपने किया पी सुना है बी सुना है साउंड आपको यहाँ पे करना है होमवर्क में टेक योर फ्रेंड आपका फ्रेंड के भी मदद लिख सकते हैं फाइंड टू वर्ड्स आपको दो वर्ड विद द बोथ द साउंड द सेम एग्जांपल साइज जो वर्ड्स होते हैं जिसका वर्ड स्पेलिंग एक जैसा होता है पर उसके मतलब अलग अलग तो ऐसे दिखना है अब मैच द फॉलोइंग है उसमें क्या है मैच द फॉलोइंग जिसके साथ जिसका मैच होता है वो आपको करना है नेशनल फ्लैग सेफ्रोन व्हाइट ग्रीन अशोक चक्र इसमें है करेज एंड सेक्रीफाइस सिंबल ऑफ प्रोग्रेस द सिंबल ऑफ यूनिटी फॉर लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी एंड ट्रूथ एंड प्योरिटी जिसके साथ मैच होते हैं वो आपको होमवर्क में करना है एक्टिविटी सिक्स देख लो एक्टिविटी सिक्स में है राइट अ फ्यू वर्ड्स आपको कुछ शब्द लिखने ऑफ इस सफीस गिवन बिलो जो एक कुछ सफीस है देने के लिए एंड मेक अ सेंटेंस आप सेंटेंस बनाओ जैसे एबल कम्फर्टेबल ओश करेजिस फुल चेयरफुल लेस टायरलेस एग्जाम्पल दिए इसके ऊपर आपको कुछ सेंटेंस बनाने हैं आज का यहाँ तक बाकी का कल